हेलो 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 फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक ईडीएस इंटरफेस के बारे में कि कैसे हमारा ईडीएस इंटरफेस होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बेसिक इंटरफेस के बारे में। दोस्तों, ये हमारा ईडीएस है 9.3, 9 पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं। और इसमें हमें क्या करना है, इसको हम क्लिक करके यहाँ से ओपन करते हैं। ये देखिए, अब ये ओपन हो गया है। अब ये स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो ये स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, ये ईडीएस प्रो 9 है। कुछ टाइम लेता है स्टार्ट होने में। अब यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों, ये इसमें ईडीएस प्रो आ गया, ये जो कि आप ग्रास वैली का सॉफ्टवेयर है। यहाँ से हमें क्या करना है, ये आपका होता है न्यू प्रोजेक्ट। ये देखिए न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से हमने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट करते हैं हम यहाँ से। और जैसे कि हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले हमें देना होता है प्रोजेक्ट नेम। यहाँ पे जैसे कि हम प्रोजेक्ट नेम दे देते हैं, जैसे कि वेडिंग कर देते हैं, वेडिंग प्रोजेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने फोल्डर यानी कि आपको फाइल कहाँ सेव करनी है। अब हमें डी ड्राइव में इसमें फाइल सेव करनी है या ई ड्राइव में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट या सिलेक्ट फोल्डर कर देते हैं। राइट क्लिक करके बेसिकली क्या करते हैं, हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, एक नया फोल्डर हमने बना लिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं वेडिंग, और हम इसको कर देते हैं सिलेक्ट फोल्डर। सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे यहाँ से, और इसको सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद अब हम यहाँ से क्या करते हैं, जो मेरे भाई लोग हैं एचडी फॉर्मेट में काम करना चाहते हैं, ये यहाँ पे एचडी के फॉर्मेट का प्रोजेक्ट होते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप एचडी फॉर्मेट में काम कर सकते हैं। ये अलग अलग 1280x720 में जो काम करना चाहते हैं उनके लिए ये सूट होता है, जो कि YouTube के लिए पे काम करते हैं, क्योंकि YouTube का जो फॉर्मेट है 1280x720 एक सफिशियंट फॉर्मेट होता है जिसमें आपकी इजीली काम कर सकते हैं और YouTube पे किसी भी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन 1920x1080 का जो प्रोजेक्ट होता है वो हमारा होता है HD फॉर्मेट वीडियो क्वालिटी के लिए, है ना। उसके बाद 720x576, ये 4:3 रेशो का होता है और ये 16:9 रेशो का होता है। यहाँ से हम कस्टमाइज कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं ओके। अब देखिए, आपकी और भी सेटिंग यहाँ पे निकल के आ गई हैं। यहाँ से आपने 4K के प्रोजेक्ट का रेशो आप कर सकते हैं यहाँ से ईडीएस 9 में। ये देखिए, 4099x2160 होता है 4K का जो आपका प्रोजेक्ट होता है। और इसमें आप 2.5K का भी ले सकते हैं, 2K का भी ले सकते हैं, यानी कि अलग अलग आपके प्रोजेक्ट के यहाँ पे रेशो दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट के डायमेंशन दिए हुए हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं HD में फॉर्मेट में। यहाँ पे ये देखिए, पूरा का पूरा HD फॉर्मेट का है ये, 1920x1080 25 फ्रेम ले सकते हैं आप, है ना। और यहाँ पे आप 48 GHz में ले सकते हैं, ये सेम रहेगा। 4:3 रेशो होता है, पिक्सल 1:1 रेशो होता है, बट आपने जो रखना है HD फॉर्मेट के लिए यही रखना है। इसको हम ओके कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपने कर लिया इसको, हैं। अब इसमें डिटेल दी हुई है रेंडर फॉर्मेट की, इसको हम कर देंगे यहाँ से ओके। यहाँ से सिंपली आपने किया और इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे ये इतना आ गया आपका, यहाँ पे फिर हम इसको ओके कर देंगे। ये देखिए, तो दोस्तों ये हमारा ईडीएस का बेसिक इंटरफेस होता है, यानी कि ये हमारा बेसिक इंटरफेस आ गया है। तो आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊँगा कि इसकी विंडोज़ को कैसे मूव करते हैं, ये कितना फ्लेक्सीबल होता है आदि चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, देखते रहिए और सीखते रहिए हमारी वीडियो से, और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को ऑल वीज इफेक्ट्स को।